वर्कशीट भी बनाऊंगा। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। तो हमें वर्कशीट बनाने के लिए सबसे पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने बनाया हमारा मेरा अकाउंट। उसके बाद मुझे जाना होगा मेक इंटरेक्टिव वर्कशीट में गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड में जाने के बाद मुझे फाइल चूज करनी होगी। मैंने अपनी फाइल चूज कर ली है और इसे यहाँ अपलोड पर दबा देना होगा। अपलोडिंग के बाद यहाँ पर ये फाइल आ जाएगी। क्योंकि ये मास्टर फॉलोइंग का क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और ये टेक्स्ट बॉक्स खोल के इसके ऊपर लिखूंगा ज्वाइन, फिर इसके बाद एक फुल कॉलन लगाऊंगा और वन लिख दूंगा क्योंकि यहाँ पर भी वन है। फिर जैसे फिर इसी के साथ जो सही आंसर है उसके ऊपर मैं लिख दूंगा, फिर उसके बाद मैं उस पर भी वन लगा दूंगा। तो मैं इसे कंप्लीट करके आपसे मिलता हूँ। तो मैंने काम पूरा कर लिया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप सब, मैंने सब पे जो सही आंसर है उसके हिसाब से किए। जैसे यहाँ ज्वाइन वन तो यहाँ पर भी ज्वाइन वन, ज्वाइन टू, यानी जो सही होगा उस पर। पर अब मुझे सेव करनी है तो मैं यहाँ पर सेव वाले बटन पे दबाऊंगा, जो ये मार्कशीट बनती है जो एग्जाम पेपर बन रखा है उसके नीचे टिक है वहाँ पर, और ये सेव हो जाएगा। पर मैंने मुझे इसका टाइटल डाल देना है, फिर मुझे अब सब इसका नाम ये सब डाल देना है और इसे कर देना है, सेव कर देना है। फिर सेव हो जाएगी। इस तरह की इंस्ट्रक्शन है कि मुझे इसमें लिख देना है। मैंने ये भर दिया तो मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब मैं इसका लिंक कॉपी करके आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। बाद में ज्वाइनिंग के बाद इसके अंदर इस तरह का कुछ होगा। जैसे मुझे ब्लडी बैरन को गलती से मैंने ग्रिफिंडोर से कर दिया, नियरली हेडलेस में, तो इससे फैट फ्राइड उसके अंदर इनसे दे ले ली रेविक्लॉस और फिर फिनिश पे दबा दिया। तो चेक आंसर्स में 3 out of 10 आया। ये खुद ही इवेल्युएट कर लेता है हमारे हिसाब से कि कितने सही आए हैं कितने गलत। और अगर मैं सही सब सबके सब सही डाले वाला, जैसे फैट फ्राइड का हपल प्लग डाल दिया ये सब, तो और मेरे चेक चांसेस किए तो 10 हो गया। तो इसी तरह से होगा। तो इस तरह से हम लोग बैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस का कर सकते हैं। और बाकी क्वेश्चंस के लिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैच द फॉलोइंग और टिक द करेक्ट ऑप्शन चेक करूँगा। उसके साथ साथ मैं आपको कुछ और वर्कशीट्स भी दिखाऊंगा ऑनलाइन जो इस पर मिल जाती है इस प्लेटफॉर्म। मैं फिर से उसके ऊपर आ चुका हूँ। अब मैं फिर से अपनी फाइल अपलोड करूँगा। इस बार मैंने दूसरी फाइल ली है क्योंकि क्वेश्चन भी हमारा वो भी अलग है। अब उस पर अपलोड पर दबा देना है। तो फिर अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर हम लोगों को जो सही आंसर्स हैं, क्योंकि हम में से मैक्सिमम को तो पता होगा कि क्या सही आंसर है, उसके ऊपर हम लोगों को डालना है सिलेक्ट यस, और जो गलत है उनके ऊपर डालना है सिलेक्ट, फिर उसके बाद ये जो हमारा डबल डॉट्स है, और नो जो गलत है उनके ऊपर। जो सही है जैसे मैंने कहा जो सही है उनके ऊपर सिलेक्ट यस, और जो गलत है उनके ऊपर सिलेक्ट नो। तो मैं इसे कंप्लीट करके आपसे मिलता हूँ। 2000 years later. तो मैंने पूरा कर लिया, अब चलो इसे एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर सब मैंने जो सही ऑप्शन है उसमें यस कर दिया, सिलेक्ट यस, और जो गलत है उसमें सिलेक्ट नो। अब इसे सेव करते हैं क्योंकि प्राइवेट वाली में दिक्कत आती है इस वजह से। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ HP इज द करेक्ट आंसर। की लैंग्वेज होगी इंग्लिश, सब्जेक्ट होगा लिटरेचर, ग्रेड लेवल होगा 8 डाल देते हैं यहाँ पर, मेन कंटेंट होगी HP यानी हैरी पॉटर, अदर कंटेंट्स HP, एज मैं इसमें डाल देता हूँ यहाँ पर 8 से लेकर 18 तक, तो डिस्क्रिप्शन में HP ENS, सेव कर दिया मैंने इसे। अब ये दो बार मांगता है, ये हर बार मतलब क्या है दो वर्ड तक इफेक्ट नहीं करता है तो कुछ भी। फिर इसके बाद मैंने 3 words का कर दिया, वैसे ही मान लिया कि 3 words तो होता है। मैंने Ctrl A Ctrl C किया, फिर उसके बाद मैंने खोला और ये मेरी साइट खुल गई। तो मुझे इसमें से कोई एक सिलेक्ट करना है। मैंने जैसे इसमें ये कर लिया, फिर इसमें मैंने ये कर लिया, फिर इसमें मैंने ये कर लिया, फिर इसमें मैंने ये कर लिया। उसी तरह जिस जिसमें मुझे जो करना है मैं भर दूंगा अगर मेरा टेस्ट होगा तो इसका, और जितने मार्क्स आएंगे इतने अपने हिसाब से दे देंगे। जैसे यहाँ पर आ गया मेरा, मैं यहाँ चेक द आंसर्स में जाऊँगा और बस सिंपली मेरे 10 out of 10 आ गए। इसी तरह मैं ऑनलाइन भी निकाल सकता हूँ। जैसे मुझे हैरी पॉटर पे चाहिए, मान लो हैरी पॉटर पे ही चाहिए,
यहाँ कितनी तरह के अलग अलग है, जैसे सिंपल पास्ट में आ गया, हैरी पॉटर का लिसनिंग का हो गया, स्टोरी हो गई, अलग अलग लैंग्वेजेस भेजे कि रॉलिंग के बारे में यहाँ पर। तो इस तरह से हम लोग लाइव वर्कशीट फॉर्मेट जो है हमारा लाइव वर्कशीट है, लाइव वर्कशीट्स है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं इस तरीके। तो इसके कई इस तरह से कई और तरह की भी बना सकते हो अगले वीडियो में, उसके लिए अगले वीडियो को चेकआउट कीजिए। बाय बाय, थैंक यू, सी यू लेटर।